नमस्कार। सितंबर 1857 का दिन था जब बिठूर में एक पेड़ से बंधी 13 वर्ष की लड़की को ब्रिटिश सेना ने जिंदा ही आग के हवाले किया। धू-धू कर जलती वो लड़की उफ तक न बोली और जिंदा लाश की तरह जलती हुई राख में तब्दील हो गई। इस महान बाल वीरांगना के लिए एक लाइक तो बनता ही है। ये लड़की थी कानपुर के नाना साहब पेशवा की दत्तक पुत्री मैना कुमारी। जी हाँ, वही नाना साहब जिनकी मुंह बोली बहन रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन नाना साहब के साथ बिठूर में ही बीता था। नाना साहब की दत्तक पुत्री मैना को 1857 में आउटरम नामक ब्रिटिश अधिकारी ने जिंदा जला दिया था। मैना ने 1857 क्रांति के दौरान अपने पिता के साथ जाने से इसलिए मना कर दिया कि कहीं उसकी सुरक्षा के चलते उसके पिता को देश सेवा में कोई समस्या न आए और उसने बिठूर के महल में रहना ही उचित समझा। नाना साहब पर ब्रिटिश सरकार इनाम घोषित कर चुकी थी और जैसे ही उन्हें पता चला कि नाना साहब महल से बाहर हैं, ब्रिटिश सरकार ने महल घेर लिया, जहां उन्हें कुछ सैनिकों के साथ बस मैना कुमारी ही मिली। मैना कुमारी सैनिकों को देखकर महल के गुप्त स्थानों में जा छुपी। ये देख ब्रिटिश अफसर आउटरम ने महल को तोप से उड़ाने का आदेश दिया और ऐसा कर वो वहां से चला गया, पर अपने कुछ सिपाहियों को वहीं छोड़ गया। रात को मैना को जब लगा कि सब लोग जा चुके हैं और वो बाहर निकली तो दो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और फिर आउटरम के सामने पेश किया। आउटरम ने पहले मैना को एक पेड़ से बांधा, फिर मैना से नाना साहब के बारे में और क्रांति की गुप्त जानकारी जाननी चाहिए, पर मैना ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। यहाँ तक कि आउटरम ने मैना कुमारी को जिंदा जलाने की धमकी भी दी, पर उसने कहा कि वो एक क्रांतिकारी की बेटी है, मृत्यु से नहीं डरती। ये देख आउटरम तिलमिला गया और उसने मैना कुमारी को जिंदा जलाने का आदेश दिया। इस पर भी मैना कुमारी बिना प्रतिरोध के आग में जल गई ताकि क्रांति की मशाल कभी ना बुझे। हमारी स्वतंत्रता ऐसे असंख्य क्रांतिवीर और वीरांगनाओं के बलिदानों का ही प्रतिफल है और इनकी गाथाएं आगे की पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। इन्हें हर कृतज्ञ भारतीय का नमन पहुंचना चाहिए। शत शत नमन है इस महान बाल वीरांगना को। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।